कुत्तों की चाल बेनकाब। जो कुत्ते दिन दिहाड़े सरेआम शहरियों को लूटने में मसरूफ, आखिर जो कुत्ते इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आमिर हबीब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कहानी है जेब कुत्तों की। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे ये जेब कुत्ते दिन दिहाड़े अवाम को कैसे लूट लेते हैं। इनके मुख्तलिफ तरीकाकार में से एक तरीका तो ये होता है नाज़रीन कि ये सबसे पहले कोई रश वाली जगह ढूंढते हैं, फिर वहाँ पर इन्हीं के ग्रोह का एक बंदा जाकर किसी से लड़ाई कर लेता है, और जब सुलह सफाई करवाने के बहाने बहुत से लोग जमा हो जाते हैं तो इसी ग्रोह का दूसरा बंदा वहाँ पर आकर लोगों की जेबों का सफाया शुरू कर देता है। ये देखिए नाज़रीन, इन्हीं की ग्रुप के एक बंदे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। अब बहुत से बंदे सुलह सफाई के लिए इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब आप ये बंदा जिस पे रेड एरो है देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से जेबों का सफाया करने में लगा हुआ है। ये एक एक करके सबकी जेबें खाली कर रहा है। लें जी, ये अपना काम करके निकल गया। जी नाज़रीन, ये दूसरी वीडियो देखिए। एक लड़के ने लड़ाई शुरू कर दी और दूसरे ने लोगों की जेबों का सफाया शुरू कर दिया। ये एक और वारदाती देखिए नाज़रीन, ये लड़का इस शख्स की जेब से रकम निकालने में मसरूफ है। जी नाज़रीन, अब ये लड़का रकम निकाल कर आहिस्ता से फरार हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अब इस बंदे को पेमेंट करनी है। अब जब इसने जेब में हाथ डाला तो इसको अंदाजा हुआ कि ये लुट चुका है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा नाज़रीन कि कितनी आसानी से ये लड़की इस शख्स की जेब से रकम निकाल लेगी। ये लड़की अकेली नहीं बल्कि वो बड़ी लड़की भी इसके साथ है। लें जी, ये तजर्बाकार लड़की कामयाब हो गई। नाज़रीन, ईद के मौके पर तो इन जेब कुत्तों की भी ईद होती है। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि इतनी ज्यादा पर्स छीने जा रहे हैं, स्नैचिंग इतनी हो रही है कि वहीं से पैसे निकालते हुए भी डर लग रहा है हमें कि किस तरह से पैसे निकाले जाए। आपको खुद अपनी चीजों को खुद ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बाजारों में अब रश इतना है, इतना रश है कि अपने बैग का बस खुद ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों में जो पर्स मार है और पॉकेट मार है वो भी आपके साथ ही घूम रहे होते लेकिन पता नहीं होता, तो इसलिए एहतियात करें। अगर आपकी जेब कट गए और आपके सारे पैसे चले गए तो आपकी तो ईद खराब हो जाएगी लेकिन जो चोर है उसकी ईद बन जाएगी। इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि हर शख्स को अपने सामान की हिफाजत खुद करनी चाहिए। लेडीज निकलती हैं, लेडीज पॉकेट मार भी होती हैं, उनको अपने सामान और बच्चों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी आसानी से ये जेब कुत्ते शहरियों को लूट रहे हैं। अब जब भी हम बाजार जाएं तो हमको सख्त एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेगी।